स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। बेटा अगर तुझे धर्म से मिलना था तो उसे घर में बुला ले, बाहर जाके मिलने की क्या जरूरत। डैड एक मिनट, गौरी आप पतिदेव पूछेंगे, बताओ धर्म पत्नी रात को धर्म से मिलने क्यों गई थी? असली मजा तो अब आएगा। कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, क्या काम था? रात को चुप क्यों है? जुबान नहीं है या जुबान ने जवाब नहीं है? क्या हुआ है मीनाक्षी? अरे पूछिए अपनी बहू से जीजी की क्या हुआ है। मीनाक्षी घर में मेहमान आए हुए हैं, हमसे हम इस तरह चिल्लाने से। भाई साहब यही तो आपकी बहू को सोचना चाहिए था ना, पूछिए इतनी रात को किससे मिलके आ रही है, बोलो। मैं बताती हूँ, धर्म से मिलके आ रही हो ना तुम तो? तो ये आग करुणा दी ने लगाई है। मीनाक्षी गौरी मेरी बहू है इसलिए मैं। हाँ जी जी वही तो मैं कह रही हूँ कि गौरी आपकी बहू है, इस घर की बहू है, तो इस घर की बहू इतनी रात को अकेले पराए मर्द घर से मिलने क्यों गई थी? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? हाँ? वो इंसान जो इस घर में आके सबकी इतनी बेइज्जती करके गया और तुम्हारे भाई को भी तो इतना घटिया इल्जाम लगा कर गया, तू तो उससे इतनी रात में मिलने गई थी क्यों? आंटी समझने की कोशिश कीजिए ना, राज ने जो किया है हमारे पापा के साथ, आई थिंक गौरी नफरत करने लग गई है राज से। एंड आई कैन अंडरस्टैंड गौरी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोला करना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, आई कैन सॉल्व इट, मे बी आई कैन हेल्प। ऐसे रात को पराए मर्द के साथ जाने की जरूरत नहीं है। करुणा गौरी मेरी बहू है इसलिए इससे जो भी पूछना है वो केवल मैं पूछूंगी और कोई नहीं पूछेगा उससे। तो पूछिए ना जीजी, पूछिए इससे। एक सेकंड गौरी, बेटा अगर तुझे धर्म से मिलना था तो उसे घर में बुला ले, बाहर जाके मिलने की क्या जरूरत। डैड एक मिनट, गौरी आप पतिदेव पूछेंगे, बताओ धर्म पत्नी रात को धर्म से मिलने क्यों गई थी? असली मजा तो अब आएगा। कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, क्या काम था? ये सब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इसने बहुत कुछ सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है, फिर इस तरह की बातें। और रहा सवाल धर्म का, धर्म दोस्त है उसका, इसका पूरे रामनामगढ़ में धर्म के अलावा और कौन दोस्त है? जिस तरह के हालात हैं, वक्त पे वक्त अगर किसी दोस्त से बात कर ली तो क्या बड़ी बात हो गई? इसका मतलब ये है कि आप इस पे लाछन लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, इस तरह के सवाल करेंगे? राज बेटा तू बहुत नादान है, तू नहीं जानता ऐसे पराए मर्द से चोरी छुपके मिलने का क्या मतलब होता है। कुछ नहीं होता चाची, जरूरी नहीं है इस बात का कोई मतलब हो। और ये मेरी धर्म पत्नी है, ये हमारा रिश्ता है, तो जो होगा मैं अपने आप देख लूंगा, आप प्लीज बाहर रहिए इससे। मैं एक गलती कर चुका हूं, गौरी की खातिर मेरे हाथ से हुए एक्सीडेंट के बारे में मैंने गौरी को नहीं बताया। क्यों? करुणा ने मुझे मना किया था कि गौरी का दिल ना टूटे। शायद वो अपनी जगह सही थी लेकिन मैं तो गलत हो गया ना। अब फिर से इस रिश्ते में कोई गलती नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा।
तेरे बेटे ने तुम्हें इस बार इसलिए माफ कर दिया शायद क्योंकि उसे ऐसा लगता है तुमने जो कुछ भी किया है वो एक बड़ी बहन होने के नाते की, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सिर्फ इस बार। और आइंदा किसी को झूठ बोलना मत सिखाना, प्यार रिश्ते विश्वास ये सब सच पे टिके होते, एक झूठ सब कुछ खत्म कर देता है। I'm really sorry, Gauri. मैं तो बस इतना चाहती थी कि तेरा दिल ना टूटे। आई थिंक दैट वॉज माई मिस्टेक। आई एम रियली सॉरी। अच्छा अब रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सब अपने अपने कमरे में, गुड नाइट।
राज और गौरी को अलग करना है। वो कैसे भी करके एक नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कारासुर वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो फिर अब हमें क्या करना है? एक्सीडेंट लगना यही चाहिए कि एक हादसा है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो हमारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। जब चाहूं इसे खोल सकती हूं। अगर तुमने मुझ पर आग बंद करके विश्वास किया है बिना पूछे कि मैं कहां गई थी, तो मैं भी तुम पर आग बंद करके विश्वास करना चाहती हूं। ये मानना चाहती हूं कि मेरे पापा की मौत तुम्हारी लापरवाही से नहीं, बदकिस्मती से हुई। वो सच में एक एक्सीडेंट था। राज, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।